वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखने वाले स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट दो मेथड से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं और एक डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिवीजन मेथड बताने वाला हूँ, क्योंकि यही मेथड होती है जो ज़्यादा लोगों को टफ लगती है और बहुत सिंपल होती है। मैं आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि आपसे कहा जाए कि रूट थ्री का स्क्वायर रूट निकालिए और आपसे कहेंगे कि थ्री प्लेस तक निकालिए या फोर प्लेस तक, फाइव प्लेस तक, सिक्स प्लेस तक, जितने भी प्लेस का बोले हैं उतने प्लेस तक का निकालना है। तो बहुत सिंपल होता है इसको निकालना। तो मैं आपको जरा तरकीब समझाता हूँ। आप जैसे डिवीजन वाला सिस्टम बना दीजिए और थ्री लिख दीजिए और उसके बाद लगा दीजिए डेसिमल। आपसे सपोज करो कि थ्री पॉइंट का बोला है तो आपको क्या करना है, थ्री पेयर बनाने जीरो में। जी हाँ, डेसिमल लगा कितने भी जीरो लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको इस तरीके से थ्री पेयर बनाने हैं जीरो के लिए, क्योंकि जितना आपसे बोला है डेसिमल के बाद इतने पॉइंट तक आपको फिक्स लेके आना है। तीन का बोला तो तीन पेयर, चार का बोले तो चार पेयर, दो का बोले तो दो पेयर। तो मैं अधिकतर तीन पेयर का होता है चीज़, तो मैं इसे तीन पेयर का आपको बता रहा हूँ। तो एक पेयर, दो पेयर, दो दो के जोड़ी आपने बना ली और एक तो आपके अकेले महारथी बचे हुए हैं। तो डिवाइड कर, अब ये रूल क्या होता है जरा समझिएगा, ये मेन चीज होती है। अपन इसको किस तरीके से कर सकते हैं क्या नहीं, तो आपको जब स्टार्टिंग आप करेंगे तो आप जोड़ों के हिसाब से काम करेंगे। तो एक जोड़ा ये अकेला बचा, इसको अकेला ही छोड़ देंगे। चलो भैया ये अकेला है, इसको अकेले ही रहने दो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, थ्री सबसे पहले किसके सॉल्व करेंगे, थ्री को। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि ऐसी संख्या जिसका उसका उसी में ही मल्टीप्लाई करें तो वो या तो थ्री हो जाए या तो थ्री से थोड़ा कम रहे। तो अगर मैं वन का वन में मल्टीप्लाई करूँ, वन वन जा वन कम हो रहा है, और टू का टू में मल्टीप्लाई करूँ, टू टू जा फोर ये ज्यादा हो रहा है, तो मैं वन लूंगा। तो वन आप यहाँ लिखेंगे, एक तो एक वन आप यहाँ लिखेंगे, एक वन आप यहाँ लिखेंगे, और वन वन जा वन हो रहा है तो वन आप फिर यहाँ लिखेंगे। मतलब जितनी बार जितना आ रहा है नंबर वो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इनको प्लस कर दे, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, और यहाँ पे माइनस ही करते हैं थ्री में से बन जाए कितना बचेगा टू बचेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अब आप इनको उठा लीजिए, यहाँ पे ये उठा लिया आपने, पैर उठाना है आपको, जोड़ी उठानी है जोड़ियाँ। तो ये आपने पैर उठा लिया, आपके हो गए 200, कितना हो गया 200। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ जरा समझिएगा बात को। अगर अब आपको यहाँ पे कोई नंबर रखना है अपने मन से, कि जैसे अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 हो जाएगा। अगर आप 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 16 और 4 2 8 और ये आपको हो जाएगा नहीं तो 96 आ रहा है, ये तो बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने यहाँ से यहाँ पे मैं सपोज कि 6 रख लेता हूँ, तो 6 अगर मैं रखूंगा तो 26 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 36 कैरी है 3, 6 2 12 12 और 3 156, ये भी कम आ रहा है। तो अब ऐसा करते हैं अपन 8 रख लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 8, तो 8 8 64 कैरी है 6 और 8 2 16 16 और 6 22, ये तो ज़्यादा हो गया। 6 रखने पे कम आ रहा है, 8 रखने पे ज़्यादा रहा है, इसका मतलब 100% 7 रखना पड़ेगा हमें। तो रख लेते हैं भैया 7, तो 7 रखेंगे तो जाएगा 27 इंटू 7, तो 7 7 14 9 कैरी आई 4 और 7 2 14 14 और 4 189। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 रखने पे ज़्यादा आ रहा है 6 रखने का। तो ये आपका अब यहाँ पे तो आपने 7 रखा, तो यहाँ पे आपने डेसिमल के बाद तो यहाँ पे डेसिमल रख दीजिए, क्योंकि आपने डेसिमल के बाद वाली बात यहाँ पर रख दें। तो 7 आपको यहाँ लिखना, एक यहाँ लिखना और एक यहाँ लिखना, और कितना आया था मल्टीप्लाई करने 189, तो वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तब आप प्लस करेंगे 7 7 से कितना हो जाएगा 14, कैरी आई 1 तो कितना हो जाएगा आपका 3 34 हो गया। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये बचा 1, ये भी बचा 1 और ये कुछ नहीं बचा, तो 11 हो गया। अब हम उठाएंगे दूसरा पेयर, तो उठा लीजिए भैया, ये हो गया आपका 1100, कितना हो गया आपका ये 1100। तो आपको यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जो 1100 के तकरीबन हो, तो आप सीधे सीधे इतना कैसे दिमाग लगा पाएंगे भैया हम कैसे रखें। तो भैया आप यहाँ पे ऐसा सोचो कि ये 4 नहीं है, यहाँ बस 3 लिखा है, क्या लिखा है 3, और यहाँ पे 11 लिखा है। तो आप 3 का टेबल पढ़ो, 11 का बार 3 3 जाना 3 4 12, चार बार में ज्यादा हो रहा है, और 3 3 जाना 3 बार में मतलब अप्रोक्सीमेट कम हो रहा है, लेकिन हमें 3 4 12 में ज्यादा हो जाएगा। तो अब ऐसी बात है तो 34 मतलब हम कुछ रखेंगे तो ज्यादा ही आएगा यार, तो हम 3 रख लेते हैं, तो 3 4 3 हो जाएगा, कितना 3 34 लिखा जाए 3 4 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 कैरी आई 1 3 3 9 1 0 2 9 आ ही गया। तो अब 4 रखेंगे तो अब इस बार ज्यादा ही आएगा, तो 3 तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 कहाँ देखो यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा भैया अपना ये, और इधर मल्टीप्लाई करना 1029, तो ये इसका 3 3 6 4 और 3 हो गया, और ये माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ये 7 बचा
ये कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। तो आपका ये बच रहा है 3, 4, 6 और 71। तो आपको यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है एक्चुअली, 3, 4, 6 लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा है 71। तो आप पेयर उठाएंगे तो ये जाएगा 7100। तो आपको ऐसा नंबर पुट करना है कि यहाँ पे देखो, ये अगर मैं यहाँ पे जीरो भी रखूंगा, जीरो तो नहीं रख सकते क्योंकि पूरा जीरो हो जाएगा, और अगर वन भी रखूंगा 3461 हो रहा है, तो मेरे को 3000। तो अपन को इस पर पहला पहला नंबर देख लो, 3 का टेबल पढ़ो कि 7 आ जाए, तो 3 2 6, 3 3 9 ज्यादा हो रहा है, मतलब 3 2 6, तो मैं यहाँ पे 2 रखूंगा। तो मैं 3 4 6 2 × 2 करता हूँ, तो 2 2 4 6 2 12 2 2 4 8 9 और 3 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 6924। देखो बिल्कुल ही 200 का गैप, अगर मैं 3 रख दूंगा तो इसमें तो ज़्यादा ही आएगा, तो मतलब ये कितना है 6924। तो यहाँ पे हम कहाँ का 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बस 3 प्लेस तक का नंबर चाहिए था। तो रूट 3 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 1.732 होता है। कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, यही होता है 1.732। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड होती है, बिल्कुल सिंपल एल्गोरिथम होती है। इसको बार बार, एक बार भी समझ में नहीं आता है, इसको आप 2-3 बार रिपीटेड देखें तो आपको 100% आने वाला है। और आप रूट 5 का निकालें, किसका निकालें, आप रूट 5 को खुद से निकालें, कैलकुलेटर का यूज ना करें, खुद से निकालें और कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहेंगे आगे, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।